हेलो दोस्तों, द टेस्टी बाइट में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद। आज हम तिरंगा कलर का केक बनाएंगे। इसे हम कढ़ाई में बनाएंगे। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए एक बड़े से बॉल में 1/4 रिफाइंड ऑयल लेंगे, आधा कप दही, आधा कप चीनी, आधा चम्मच वेनिला एसेंस। इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब एक बड़ी छन्नी लेके इसको रखेंगे। 1 कप मैदा, इसको अच्छे से छान लेंगे जिससे कि इसमें लम्स ना पड़े। चौथाई मिल्क पाउडर, एक चम्मच बेकिंग पाउडर, 1/4 बेकिंग सोडा। अब इन सभी को अच्छे से मिक्स करना है, धीरे धीरे चलाते हुए जिससे कि इसमें बिल्कुल भी लम्स ना पड़े। अब इसमें मिल्क ऐड करेंगे। हमने यहाँ पे 1/4 मिल्क लिया है। हम इसको थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। बैटर को अच्छे से मिक्स करेंगे। मिल्क रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। इसको हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और बैटर को अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें बिल्कुल भी लम्स ना पड़े। बैटर अच्छा स्मूथ होना चाहिए। बैटर हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है। इस तरह से एक लाइन से गिनना चाहिए। इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं है। बैटर हमारा तैयार हो चुका है। अब हम केक टिन को तैयार कर लेंगे। इसमें अच्छे से रिफाइंड ऑयल लगाएंगे। इसके बाद इस पे बटर पेपर लगाकर अच्छे से इसमें रिफाइंड ऑयल लगा देंगे। केक टिन हमारा तैयार हो चुका है। अब हम बैटर को हमने 3 बराबर भागों में बांट लिया है। पहले भाग में ऑरेंज कलर की 5-6 बूंदे डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ऑरेंज कलर का बैटर बनके तैयार है। दूसरे बैटर में ग्रीन कलर की 5-6 बूंदे डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ग्रीन कलर का बैटर बनके तैयार है। गैस पर कढ़ाई में जाली रख के 10 मिनट के लिए प्री हीट होने रख दिया है। चलिए अब केक बनाना शुरू करते हैं। केक टिन में पहले ग्रीन कलर का बैटर डालेंगे, इसको टैप करेंगे। इसके बाद वाइट कलर का बैटर डालेंगे, इसको भी टैप करेंगे। फिर इसके बाद ऑरेंज कलर का बैटर डालेंगे और इसको भी अच्छे से टैप करेंगे। इसे टैप करने से बैटर अच्छे से फैल जाता है। इसी प्रोसेस को हम बार बार रिपीट करेंगे जिससे बेकिंग के लिए हमारा केक टिन तैयार हो जाएगा। इस तरह से ये कंप्लीट हो चुका है। इसको आप टूथपिक की सहायता से फ्लावर का डिजाइन देंगे। ये अब बेक करने के लिए रेडी है। कढ़ाई प्री हीट हो चुकी है। इसमें केक टिन को सावधानी से रख देंगे और इसको ढककर 30 से 40 मिनट के लिए धीमी गैस पर बेक करेंगे। केक बेक हो चुका है। इसको टूथपिक से चेक कर लेंगे। देखिए, अगर इसमें बैटर लग के आता है तो केक पका नहीं है और ये क्लीन होके निकलती है तो केक बेक हो चुका है। इसको आप पकड़ से उठाकर
एक कपड़े से ढक देंगे जिससे कि इसकी स्टीम जल्दी से बाहर नहीं निकलेगी, तो ये अच्छा सॉफ्ट स्पंजी बनेगा। केक ठंडा हो चुका है, इसको प्लेट की सहायता से बाहर निकाल लेंगे। इसका बैटर पेपर भी बाहर निकाल देंगे, ये अच्छे से बाहर निकल आता है। ये कितना स्पंजी बना है, केक बनके तैयार है। इसकी हमने प्लेटिंग कर ली है, इसमें तिरंगे का कलर बहुत अच्छा आया है। साथ में ही हमने एक छोटा सा मफिन भी बनाया है। देखिए इस केक में साइड से भी तिरंगे का डिजाइन कितना अच्छा आया है। इसको हमने वेनिला फ्लेवर का बनाया है, बच्चों को वेनिला फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है। आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिए, जिससे कि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।